एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत जंगल होता है। वहाँ पर तीन दरख्त आमने सामने होते हैं। दो दोस्तें बहुत ही ज्यादा आपस में दोस्त होती हैं। एक का नाम बुलबुल होता है और दूसरी का नाम गोरी होता है। बुलबुल दिल की बहुत अच्छी थी, गोरी अच्छी तो थी दिल की, लेकिन कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता था। बुलबुल, देखो मेरी सहेली, हमने आमने सामने घोंसला बनाया है, बहुत मजा आता है। जब मेरा दिल करता है तो तुमसे बात कर लेती हूँ। कट्ठे सोते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक दफा जो है बुलबुल और गोरी कट्ठे बैठकर बातें कर रही होती हैं कि वहाँ पर एक रानो चिड़िया घूमती हुई नजर आती है। वो कभी इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है, कभी इधर घूमती है, कभी उधर। ये सारा मंजर गोरी और फिर बुलबुल देख रही होती है। फिर बुलबुल जो है रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मुझे पता है तुम दूसरे जंगल से आई हो, ऐसे क्यों घूम रही हो, नीचे आना बात। हाँ हाँ, आपने अपना नाम बुलबुल बताया है, मैं आप दोनों की बातें सुन रही थी। मैंने अंडे देने थे, लेकिन मैं घोंसला बनाने के लिए ढूंढ रही हूँ जगह, मुझे कोई अच्छी जगह मिले तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो सामने देख रही हो दरख्त हमारे सामने, हम दोनों सहेलियाँ हैं आपस में। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ आपको, आपका नाम रानू है ना? जी जी, तो मैं वो वाला सामने वाला घोंसला है, वहीं पर तुम अपना घोंसला बना सकती हो, हमारी दोस्त बन जाओ, तीनों हम दोस्त बनकर रहेंगे। फिर रानू कहती है, ठीक है ठीक है, मैं आप दोनों की दोस्त बन जाती हूँ, आप अपना नाम तो बताइए। फिर गोरी अपना नाम बताती है और तीनों दोस्त बन जाती हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने ही दरख्त पर घोंसला बना लेती है और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मैंने अब घोंसला तो बना दिया है, अब जो है कुछ ना कुछ करती हूँ। ऐसे ही दो तीन हफ्ते गुजर जाते हैं कि अचानक से वहाँ पर तूफान आ जाता है और सूखे का मौसम आ जाता है। सारे पंछी बहुत ज़्यादा परेशान थे, भोजन की कमी हो गई थी। इधर दोनों दोस्तें भी बहुत, पहले तो हमारे जंगल में सूखा का मौसम कभी नहीं आया, जब से ये रानो चिड़िया आई है सूखे का मौसम आ गया है। मैं जाकर गोरी से बात करती हूँ, कोई तो कोई ना मसला है जो सूखे का मौसम आ गया है, वरना पहले तो कभी नहीं सूखे का मौसम आया था। हाँ, गोरी से चलकर बात करती हूँ, वो ही कुछ कह सकती। हाँ हाँ बुलबुल, मैं भी यही नोट कर रही हूँ, जब से ये मनहूस आई है तब से ही ये सब, पहले तो हमें कभी भोजन की तंगी भी नहीं होती थी, हमारा जंगल कितना खुशहाल होता था। जब से ये आई है हमारे यहाँ तो बारिश भी होती थी और कभी सूखा नहीं पड़ता था, अब देखो हर जगह सूखा है, हमें इसे जंगल से निकाल देना चाहिए, इसलिए ताकि हमारे यहाँ फिर से वैसे हरियाली आ जाए। ये मनहूस ही साबित हुई है हमारे जंगल में। फिर गोरी जाती है और बुलबुल भी जाती है, बुलबुल तो चुप रहती है, लेकिन गोरी कुछ बहुत तेज थी। देखो तुम रानो, यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, तुम्हारी मनहूस कदम की वजह से जो है हमारे जंगल में इतना सूखा पड़ गया है, अब हम तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुन लिया है ना तुमने। देखो बुलबुल दीदी, आप तो मेरी बात को जानती हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर जो है गोरी उसे थके देकर जंगल से बाहर निकाल देती है। कुछ ही दिन के बाद वहाँ सूखा खत्म हो जाता है और मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन बारिश जो है जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, बुलबुल भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। गोरी देखो, बारिश तो ख़त्म ही नहीं हो रही, सूखा तो ख़त्म हो गया लेकिन बारिश नहीं ख़त्म हो रही। हाँ, हमें किसी और जंगल में जाना चाहिए, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम तो यहाँ पर मर ही जाएंगे बारिश और ठंड में। ऐसे ही गोरी और बुलबुल चली जाती है और फिर इन्हें एक घर दिखाई देता है। खोलो खोलो दरवाज़ा, प्लीज़ खोलो, कोई तो है, कोई तो दरवाज़ा खोलो। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर क्या देखते हैं, रानो चिड़िया आती है। रानो चिड़िया जो है दोनों को देखकर अंदर बुलाती है और खाने को चीज़ें देते हैं। गोरी और बुलबुल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और फिर
गोरी। देखो रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो सूखे का मौसम ऐसे भी तो आ सकता है, लेकिन मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया, हम दोनों डर गए थे। अब तो हमारी दोस्त, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं गोरी बहन, बुलबुल, आप दोनों मेरी दोस्त हो, मेरी गलती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे आपको बिल्कुल ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही फिर रानू भी दोनों को माफ़ कर देती है। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो सब